चैनल है किया यादव ब्लॉग्स के नाम से, उनका बर्थडे है तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया। सो फ्रेंड्स मैं पहुंच चुका हूं उनके घर पे, ये है आज की बर्थडे गर्ल। थैंक यू भाई केक बर्थडे में। वेलकम मैम। सो चुका है काम खराब। सो हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वैसे टाइम हो रहा है शाम के 7 और अब मैं तिलक व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ बर्थडे पार्टी में। बर्थडे किसका है, एक चैनल है किया यादव व्लॉग्स के नाम से, उनका बर्थडे है तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया है। सो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। सो चलो चलते हैं, आपको भी लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ वहाँ पे। सो रिलैक्स हो, जल्दी से चलते हैं क्योंकि मैं लेट हो चुका हूँ। उन्होंने मुझे 7:15 बजे बुलाया था, 7:30 हो चुकी है। सो फिलहाल मैं चलता हूँ। सो फ्रेंड्स मैं पहुँच चुका हूँ उनके घर पर और ये मैंने अपनी स्कूटी पार्क कर दिया, मैंने अपना गिफ्ट ले लिया है। फिलहाल मैं चल रहा हूँ अंदर एंड ये इनका न्यू हाउस है। सो फ्रेंड्स देख लीजिए, ये भी बर्थडे है किया। हेलो करो, हेलो, ये है आज की बर्थडे गर्ल एंड ये यहाँ पे इसका केक कट होगा। Feels so good when you are around. You got the smell, got the eyes, you come and falling down. I wonder if I can I stay by your side for life. Take my hand, go with me. फिलहाल केक कट हो चुका है और मुझे मिल चुका है खाने के अंदर, देख लीजिए, समोसा एंड 2 रसगुल्ले और ये क्या था केक वेफर्स। फिलहाल मैं खाता हूँ, केक कट हो चुका है और वो गुड़िया रोने लगी थी, थोड़ा मतलब परेशान हो गई थी, गर्मी ज़्यादा हो रही है ना इस वजह से। सो फिलहाल मैं खाता हूँ फटाफट से, जल्दी से खा लेता हूँ मैं। सो फ्रेंड्स फिलहाल मैंने नाश्ता भी कर लिया है और अब आपको मैं मिलाता हूँ किया के पापा से, किया की मम्मी से, किया की दादी से, किया के दादा से। तो चलो फिलहाल आंटी जी हेलो करो। हेलो, ये किया की दादी है एंड ये किया की मम्मा है और ये किया के पापा है। भैया हेलो करो। क्या हुआ? थैंक यू भाई किया के बर्थडे में। वेलकम वेलकम। आप बुआ जी, ये किया की बुआ जी है, वो भी किया की बुआ जी है। भाई अंकल और ये देख क्या क्या रो क्यों रहे थे आप, हैं? आज तो आपका बर्थडे, आप रो क्यों रहे थे? रेटिक कब इसने लगाया? सो अब ये खाने में बिजी है, डिस्टर्ब नहीं करते इसे वरना ये वापस से रोने लग जाएगी जैसे अभी रो रही थी। तो फिलहाल बने रहे ब्लॉग के अंदर, काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाला है और ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और उस किया को हैप्पी बर्थडे भी जरूर से कर देना मेरे कॉमेंट बॉक्स के अंदर। The next day. फ्रेंड्स ये देखिए बाजी को, बाबा जी का एक ही ठिकाना है, बाजी को पेड़ों के पास जाना है। तो बाजी आप सुबह सुबह लग गए ना इनमें है बाजी? ये प्रात कौन ठा के लाया बताओ? ये बड़ी मैं ठा के लायो निखिल। निखिल मेरा कहाँ से ठा के लाया बताना जरा? वो जूम करके दूंगा, वो उधर वो नीम के पेड़ों के बीच में एक प्लॉट है, वो उधर को। हाँ तो उधर से लेके आता, उधर से देख लो सिर के ऊपर खाद खाद देगी बाजी। अरे आप पेड़ों से इतना लगाओ क्यों है? अच्छा एक नेचर में, नेचर से इतना लगाओ क्यों? फिर आपको कुल्लू मनाली जाना चाहिए, उत्तराखंड चल जाओ आप घूमने। तो चले अपन, चले चलो ले जाए तो चले जाओ, चलेंगे अपन वहाँ पे, इतने दुनिया भर के पेड़ पौधे हैं, वो चलेंगे अपन। बगीचो है, जितना घर है ना उसके उसके जितना बगीचा हो बजे। और ये रहा मैं, ये जो बेल देख रहे हो ना, अभी पहले हमने निकाल दी थी और अभी वापस इतनी बड़ी हो गई और हमने करवा लिया एक जुगाड़, ये देख लिया हमने, आप पंखा लगा लिया बाहर, जो भी बैठेगा ना मस्त यहाँ से पंखा चलाओ बाहर। क्या आप रुखाली करते हो रात को? बैठो पानी भरो, हाँ
वो आज बढ़िया पंखे के बाद खा रही है भाजी, थोड़ा अभी तो आपका काम बच रहा है। अरे अरे गर्मी लाग लाग गई थे ना, मैं सोची थोड़ी हवा खाली पसीना आ गया। फूफा जी भाजी यार बड़ा अच्छा जुगाड़ कर रहे हैं सच में, फूफा जी अच्छे हैं बहुत ज्यादा। थैंक यू। अच्छे नहीं बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हैं। थैंक यू बोल दो इसी बात फूफा जी। थैंक यू। पंखा लगवाने के लिए, पंखा लगवाने के लिए जल्दी से एसी लगवा दो। एसी लाग रहे थे ना मेरे कमरे में लगवा दो। तेरा में तो कूलर ही बहुत, मेरा में लाग रहे हो या कम लाग रहे हो? अच्छा ऐसे एक बात, अब तेरा में भी लगवा दें। जल्दी लगवाओ तो मेरे में लगवाऊंगा, अगली साल लगवाऊंगा तेरा। अगली साल लगाओगे। अब मौसम की जानकारी दी जाए तो मौसम अभी फिलहाल तो बढ़िया हो चुका, अभी धूप निकल रही थी और इतने बाजी कर रही है काम और अंदर बन रहा है नाश्ता। बड़ी जल्दी नाश्ता कर, पेड़ा में माटी डाल दी थोड़ा लगा दू मैं आओ। नाश्ता की तैयारी तो भाभी बना रही है। नाश्ता कितने बजे कर रहे हैं? लंच का टाइम होने वाला है और नाश्ता हो रहा है। नाश्ता वो हो रहे थे, नाश्ता कर चुके हो क्या? एक बार करेगा तो वो नाश्ता तो अलग था, अब नाश्ता अलग होता है। ये तो ये है भी नाश्ता होता है, वो होता है लाइट नाश्ता। लाइट तो हो चुका। हाँ तो अब है भी करना जरूरी है, तो वह साथ ही हो जाएगा लंच के साथ ही। लंच के साथ चलो करो जल्द छलटाओ काम में। फ्रेंड्स हमारा नाश्ता आ चुका है, ये देख लीजिए टाइम हो रहा है, ज्यादा नहीं 11 बज रहे हैं। वैसे हमने कर लिया नाश्ता पर हम कर रहे हैं पोहे का नाश्ता, तो फटाफट से इसकी खाते हैं और साथ में देखते हैं हम टीवी। टीवी में चलाते हैं मिस्टर बीस्ट की वीडियो। हमारी लाइट चली गई और हमारे पंखे देख सकते हो आप कितने काले हो रहे हैं। देखो भाजी साफ कर लो इनको। वो महारानी साहिबा, महारानी मैं सही बोला, महारानी हो भाजी। लाइट आ गई, देखो भाजी सच में महारानी हो, किंग है किंग, सॉरी महारानी क्वीन, सॉरी क्वीन हो आप, है इस घर की। ये देखो क्वीन, देखो। और इधर देखो दोस्त, और कुछ बढ़िया काम ना धो लिए लगता नहीं है मीना भवन की किंग नहीं, किंग नहीं क्वीन, किंग तो हमारे ये रहे, किंग तो जो कि अभी ड्यूटी गए हुए ये रहे हमारे किंग। फूफा जी वीडियो देखते मतलब टेंशन, टेंशन मतलब क्या बोल दिए फूफा जी को ठाकुर, क्या हिटलर है फूफा जी सच्ची में है भाजी, हिटलर है कदे कदे। और ये रहा हमारा शो छुड़ी, सो के उठाइए और मुंह में दे रखा है गुड़े है। फ्रेंड्स हो चुका है काम खराब, बाहर का ऊपर अभी कभी भाभी ने कपड़े धो के सुखाए थे सारे, और अभी तो आधे सुखाए भी नहीं थे, आधे तो यहीं पे रखे हैं देखो, और बारिश आ चुकी है और सारे भीग चुके हैं भैया जी, गए हो गई गड़बड़। ये वरिंदर देव जी भी भगवान पता नहीं चाहते क्या है, दो तीन दिन हो गए टवा टप बरस रहे। बढ़िया सावन चालू हो गया, सावन चालू हो गया, सावन में तो वैसे बरसात होती है। अरे पर इंद्र देव भगवान सब मता के ताते तो कोई क्या हो सकता है, अब इनको वॉशिंग मशीन में डालना पड़ेगा, वापस ड्रायर में डालना पड़ेगा, ड्रायर में डाल के सुखाना पड़ेगा, फिर जाके वापस अब देर और धुल लेने दो उनको, बारिश के अंदर धुल जाएंगे और थोड़े अब उतारूंगा करूंगा वापस करूंगा, बारिश आ जाएगी। और अगर मौसम देखो सब जगह बताना, जयपुर में तो भाई 3-4 दिन हो गए ज़्यादा हो गए, ये एक नंबर मौसम हो रहा है, रोजीना बारिश होती है, रोजीना बारिश मस्त। सो फ्रेंड्स मेरी बाजी डाल रही है करी का अचार, वजह की समझ नहीं, दो मिनट के अचार कैसे डाल दो आप? कम तेल से सूखो अचार से डाल कर देखो, बिना तेल भी सही लग रही। अच्छा मसाला में तेल मिलाई थोड़ा। अच्छा और इसमें तेल? इसमें तेल डाल दी सोया तेल से डाल। तो मेरी भाजी को सभी प्रकार के हम क्या बिना उनको सारे कम तेल को थोड़ा। हाँ समझ गए, मेरी भाजी को सभी प्रकार के अचार बनाने आते हैं है भाजी। अब तक आपने कौन कौन से अचार डाल लिए? लेसुआ को, मूली को, सरदम मूली को डाल लीजिए, कैर का डाल लिए, लेसुए का और अब कैरी का डाल दिया, सब डाल लू तू, गाजर को, गाजर का, मिर्ची को, मिर्ची का, और हमारा पूरा स्टॉक खत्म हो जाता है अभी भाजी की। वो डब्बे कहाँ गए? वो डब्बे लेके आए थे आप? छोटे डब्बा हम बाद में डाल, अभी इसमें से भरेंगे कई सारे डब्बे जो कि पार्सल हो जाएंगे अलग अलग जगह है भाजी। कहाँ कहाँ पार्सल करोगे? दीदी और आऊंगी तो दीदी और ले जाएंगी, आपका खा लेंगे